वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। अक्टूबर में जहां पर ब्रेस्ट कैंसर से अवेयरनेस का महीना मनाया जाता है, वहीं पर ये एक और कॉज का भी अवेयरनेस का मंथ है और वो है हम लोगों को डाउन सिंड्रोम का नहीं मालूम कि डाउन सिंड्रोम क्या है, जो डाउन सिंड्रोम बच्चे होते हैं उनको क्या प्रॉब्लम होती है, उनको डील कैसे करना है। बेसिकली दे आर किड्स विद स्पेशल नीड्स। शफात जो हैं पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे कोई शो में कमाली गेस्ट थे और मैं नहीं गई, मैं बड़ी जेलस हूँ। शफात, आपकी मुलाकात हुई इन बच्चों से? जी जनाब, मेरी इन बच्चों से मुलाकात हुई और मेरी सोच का जाविया बदल गया इन बच्चों से मुलाकात करने के बाद। क्या हुआ इस पैकेज में आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, मैं इस वक्त मौजूद हूँ KDSP में, कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम। अक्टूबर का महीना वैसे तो पूरी दुनिया में डाउन सिंड्रोम के हवाले से आगाही के तौर पर मनाया जाता है। हमने इस हवाले से बड़ा खोजा कि क्या कराची में डाउन सिंड्रोम के हवाले से कोई ऐसी फैसिलिटी मौजूद है कि हम उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर कंपेयर कर सकें। हमने पहले इसको कराची के हवाले से खोजा, फिर हमने पूरे पाकिस्तान के हवाले से खोजा, हमें कुछ ज़्यादा कामयाबी नहीं हुई, लेकिन फाइनली वी केम टू दिस प्लेस जो कि डेफिनेटली डाउन सिंड्रोम के हवाले से एक इंटरनेशनल फैसिलिटी है। आइए आपको मिलवाते हैं। और ख्वातीन हज़रात, मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगा, मिलवाना चाहूँगा अली से। अली भाई, अली साहब, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, हाउ आर यू? वेलकम टू KDSP। वी आर वेरी गुड। और अक्टूबर का महीना, जैसे कि अभी मैं अपने नाज़रीन को भी बता रहा था कि पूरी दुनिया में डाउन सिंड्रोम के हवाले से आगाही के तौर पे मनाया जाता है, तो ये जो आपकी स्पेस है बड़ी कलरफुल सी लग रही है, थोड़ा सा हमें ये स्पेस विजिट करवाएंगे? जरूर। What is this Down syndrome anyway? थोड़ा सा ये मुझे बताइएगा। एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि डाउन सिंड्रोम एक बीमारी का नाम है, ये बिल्कुल गलत है। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है। हम सब की बॉडीज के अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और हर सेल के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारा जेनेटिक मटीरियल होता है। जब 21वें क्रोमोसोम के अंदर दो कॉपीज के बजाय एक तीसरी कॉपी आ जाती है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटीरियल आ जाता है, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए कहते हैं कि इस बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम इज लाइक दिस म्यूटेशन इन 21st क्रोमोसोम, राइट? दैट्स राइट, 21वीं। अच्छा, ये सामने मैं देख रहा हूँ कि एक कमरा है जिसपे बादल बने हुए हैं खौदीन हज़रात, और मुझे इस कमरे को देखते ही जरा दिल चाह रहा है कि मैं अंदर ऐसी बेधड़क चला जाऊँ। ये क्या? We work with very young children, 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चे स्कूल में आते हैं। इसलिए ये एक स्नूज रूम है क्योंकि वो बच्चे कभी उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, हमारे यहाँ सीजनल चलता है। सो दिस इज अ स्मॉल एरिया वेयर दे कैन रेस्ट अप एंड बी कंफर्टेबल बिफोर दे कैन जॉइन द क्लास बैक। इट्स वेरी नाइस, वेरी कोजी। बड़ा दिल चाह रहा है मेरा, मैं भी यहाँ पे एक गोता लगा लूँ। ये एक पार्क नुमा जगह है, ये हमारे प्री स्कूल के बच्चों की प्ले स्पेस है, हमारा प्ले एरिया है। KDSP आपने जैसे देखा, वी आर इनसाइड अ बिल्डिंग, तो वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशंस जो हमारे सामने है वो ये है कि हमें बच्चों के लिए आउटडोर स्पेस अवेलेबल नहीं है। लेकिन आउटडोर स्पेस देनी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो जो एक्सपीरियंसेस बच्चे लेके जाते हैं फ्रॉम एन आउटडोर स्पेस वो बहुत उनकी डिवेलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। सो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू रिक्रिएट। ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी रूम 1 डोनेटेड विद अब्रार एंड नोरीन हसन, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर? ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज बेसिकली एन एक्टिविटी जिसके थ्रू आप बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स, उनकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, उनकी सेल्फ फीडिंग के ऊपर काम करते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज के ऊपर काम करते हैं। बच्चे इवेंचुअली सब चीज़ें सीख जाते हैं। थोड़ा सा ये बताइएगा, व्हाट इज दिस फाइन मोटर स्किल? या ओके, सो जैसे हम ग्रोस मोटर कहते हैं कि जो एक्टिविटीज सच एज सिटिंग, स्टैंडिंग, क्रॉलिंग, ये ग्रोस मोटर उस मसल के अंदर आती हैं, और फाइन मोटर एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि होल्डिंग अ स्पून और अ फोर्क, या लर्निंग हाउ टू होल्ड अ पेंसिल, या अपने कपड़ों के बटन बंद करना, अपनी सेल्फ नीड्स को हैंडल करना, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी की डोमेन में आता है। हम यहाँ देख रहे हैं सेंसरी रूम, जी ये क्या है? सेंसरी रूम बेसिकली एक स्पेस होती है जिसमें हम बच्चों के जो पांचों सेंसेस हैं उनको डिफरेंट चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए लाइट, साउंड्स एंड सर्टेन इक्विपमेंट इंगेज करते हैं टू गिव देम अ कामिंग इफेक्ट इफ दे नीड दैट। तो एज यू कैन सी अंदर भी यू कैन सी सर्टेन लाइट्स।
ये कौन सा रूम है? ये हमारा फिजिकल थेरेपी रूम है। यहाँ हम बच्चों की ग्रोस मोटर स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, स्किल्स सच एज सिटिंग डाउन, क्रॉलिंग, स्टैंडिंग अप, जंपिंग, रनिंग। इस स्पेस के अंदर हमारी फिजिकल थेरेपिस्ट बच्चों के साथ काम करती है। आप मुझे इस रैंप के बारे में कुछ बता सकते हैं? इस रैंप की इंटरेस्टिंग यू आस्क, क्योंकि इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये रैंप हमने अपने कारपेंटर से अपने घर के लिए बनवाया था आज से 8 साल पहले। और इसके ऊपर हमने अपनी बेटी के साथ, मेरी वाइफ ने ज़्यादा काम किया है। इसमें छोटे से स्टेप्स हैं, सो वी उसको हम सिखाया करते थे कि स्टेप्स कैसे क्लाइम करने हैं, स्लोप से नीचे कैसे आना है, स्लोप से ऊपर चढ़ने में बॉडी के मसल स्ट्रेंथन होते हैं। तो ये हमारे घर पे इस्तेमाल होता था, और फिर जब हमारी बेटी बड़ी हो गई और KDSP बन गया और उसको ज़रूरत नहीं थी, तो हम फिर इसको यहाँ पे ले आए। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। मैंने एक खातून को देखा कुछ अर्सा पहले, वो एक स्कूल के स्टाफ के साथ झगड़ा कर रही थी क्योंकि इस स्कूल में एक बच्चा डाउन था और वो उस क्लास में नॉर्मल बच्चों के साथ बिठा दिया गया था। मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आया, दोनों बच्चे मेरे लिए नॉर्मल ही थे, लेकिन उस खातून ने स्कूल की जो मैनेजमेंट थी उसके साथ अच्छा खासा बदतमीज़ी की और कहा कि जी आपने कैसे इस बच्चे को मेरे बच्चों के साथ बिठा दिया, ये उसको कोई नुकसान ना पहुँचा दे, कल को कौन जिम्मेदार होगा। एंड वो उनके अंदर एक प्रेडेटर जाग गया था जो कि हर उस मानव पे हमला करने के लिए तैयार था जो कि उनके बच्चे के आसपास है। ये क्या बिहेवियर है और जस्टिफाइड है, जाहिलाना है, या ऐसे लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है? द थर्ड, द लैटर। क्योंकि देखें होता क्या है, इंसान की फितरत ये है कि जब हम किसी चीज़ को समझते नहीं है ना, तो हम उससे खौफ खाते हैं। तो अगर कोई इंसान ये समझ बैठा है या समझता नहीं है कि एक बच्चा है, उसको डाउन सिंड्रोम है, उसको बीमारी नहीं है, वो आपके बच्चे के लिए कोई हार्म नहीं करेगा, अगर उसको समझ नहीं है तो एक नेचुरल प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट होती है, भाई मेरे बच्चे को इससे दूर रखो, मुझे क्या पता क्या हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च बताता हूँ, दुनिया भर में जो वेस्ट में रिसर्च हुई है वो एक्चुअली ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि आम बच्चों को डाउन सिंड्रोम से मुतासर बच्चों के इर्द गिर्द होने की वजह से उल्टे बेनिफिट्स मिलते हैं। उनके अंदर एम्पथी और कंपैशन डेवलप होता है क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द ऐसे बच्चों को देखते हैं जो आम चीज़ों के अंदर उनसे ज़्यादा स्ट्रगल करके उनको अचीव कर रहे हैं, और उस सराउंडिंग में सिर्फ होते हुए आम बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इट इज़ एक्चुअली द अदर वे अराउंड, डाउन सिंड्रोम से मुतासर बच्चे के इर्द गिर्द होते हुए आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होने वाला, उल्टा फ़ायदा होगा। जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं उनको स्पीच में थोड़े से डिलेज आते हैं, हाउ डू यू कवर दैट? सो डिलेज का रीज़न सिंपल है, मसल टोन। डाउन सिंड्रोम जिन बच्चों को होता है उनकी मसल टोन जनरली लो होती है, मुंह में भी मसल्स होते हैं और कुछ कभी कभी कॉग्निटिव इश्यूज भी होते हैं जिसकी वजह से स्पीच की डेवलपमेंट डिले हो जाती है। लाइक एनीथिंग, किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट डिले होती है तो आप उसको ब्रिज करते हैं थ्रू सर्टन स्ट्रैटेजीज जो उसकी डेवलपमेंट को एक्सपर्टाइट करें। स्पीच थेरेपिस्ट हमारे पास जो ट्रेंड एंड क्वालिफाइड स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं उनका यही काम होता है, बच्चों को डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के थ्रू इनक्रेज करना कि वो सर्टन साउंड जो उनसे नहीं निकल पा रही वो निकालें। पहले साउंड निकलती हैं, फिर आगे आगे प्रोग्रेशन होती है और बच्चे बोलना और कम्युनिकेट करना मोर इम्पॉर्टेंटली सीख लेते हैं। मैं इस वक्त जिस फैसिलिटी में खड़ा हूँ, अगर मेरे कैमरामैन ये थोड़ा सा कैमरा घुमाएं और आपको व्यू कराएं कि इस वक्त यहाँ पे फुल ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग माहौल चल रहा है जनाब, और बच्चे और जितने भी यहाँ पे आने वाले स्टूडेंट्स हैं, दे आर वर्किंग और वो क्राफ्ट्स बना रहे हैं और बड़ी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जिनमें बड़ी बारीकी और बड़ी महारत चाही हुई होती है। तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि अली हमें ज़रा ख़ुद एक्सप्लेन करें कि अली ये कैसे हो रहा है। सो तकरीबन 3 साल पहले हमारे पास फैमिलीज आईं जिनके बच्चे 16 साल से अबव थे, जिनको डाउन सिंड्रोम था, और उन्होंने कहा कि KDSP हमारे बच्चों के लिए क्या सेटअप कर सकता है। तो वी स्टार्टेड दिस एडल्ट वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ज़्यादातर बच्चे, क्योंकि उनकी अर्ली इंटरवेंशन नहीं हुई हुई थी, तो जब वो हमारे पास आए तो उनकी जो लैंग्वेज है वो कम्युनिकेशन थोड़ी वीक थी। वी स्टार्टेड ऑफ विद दिस प्रोग्राम और हमने पहले उनको हैंड स्टिचिंग सिखाई।
एंड इट वॉज अमेजिंग. अच्छा जनरली क्या होता है कि जिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम होता है ना उनकी जो नहीं पकड़ाई जाती है फाइन मोटर स्किल्स का भी इशू होता है और फिर ये इशू होता है कि उनकी जो रिसेप्टिव लैंग्वेज होती है यानी जो इन्फॉर्मेशन वो रिसीव करते हैं वो उनकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज से कहीं ज़्यादा होती है. आमतौर पर लोग समझते हैं इनको सिखा रहे हैं इनको समझ में नहीं आ रहा, उनको समझ सब आ रहा होता है लेकिन अक्सर औकात वो बता नहीं या बयान नहीं कर पाते कि वो क्या फील कर रहे हैं या क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं. तो उन बच्चों के साथ हमने हैंड स्टिचिंग से शुरू किया और सून इनफ they started making these amazing products. और ज़रूर दिखाएंगे जो प्रोडक्ट्स हमने खुद देखे कि यहाँ पर जो बच्चों ने बनाए हैं. थोड़ा सा नज़दीक आएँ और मैं चाहूँगा ये सारे प्रोडक्ट्स ज़रा कवर करें वन बाई वन. दे आर रियली अमेजिंग एंड दे रियली फाइनली मेड. और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. आई मीन सेज इट ऑल. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट ऑल ऑफ दिस इज कि ये सारी प्रोडक्ट्स इनके रॉ मटेरियल्स इसकी सारी चीज़ें हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं. बच्चे सिर्फ अपना टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ ये चीज़ें बनाना सीखते हैं और बनाते हैं और फिर हम वो चीज़ें उनके बिहाफ पे बेचते हैं और 100% ऑफ द प्रोसीड्स जो इससे मिलती हैं वो सारी बच्चों को जाती हैं. सो इट गिव्स देम एन अमेजिंग सेंस ऑफ एम्पावरमेंट एंड अचीवमेंट के वो भी अपने भाई बहनों की तरह अपने वालदैन की तरह इनकम जनरेट कर सकते. दिस मशीन ख़वातीन हज़रात ये एक कन्वेंशनल खड्डी है. दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ह्यूमन एफर्ट और प्लस इसके लिए आपको बड़ा हाजिर दिमाग होना पड़ता है क्योंकि एक आध दफ़ा हमने एक शूट के सिलसिले में खुद चलाने की कोशिश की थी. यकीन करें जो हालत हुई थी कि कंधे अलग दुखते हैं ध्यान अलग पैर मुसलसल चलाना पड़ता है. इट्स रियली टफ. राबिया मौजूद हैं जो इस वक्त इस मशीन पे काम कर रही हैं और हमारे साथ मौजूद हैं ईमान जो कि इस मशीन पे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रही हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. ये बताइएगा कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक के बच्चे आते हैं यहाँ पे और ये स्किल सीखते हैं. मज़े की बात यह है कि ये स्किल डजंट टेक मच टू मतलब इट डजंट टेक टू मच टाइम टू लर्न. आप इनको सिखाते हैं द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये इनकी बेसिकली होता है कोऑर्डिनेशन होता है हैंड आई मूवमेंट कोऑर्डिनेशन और फीट कोऑर्डिनेशन. हम इसको करते हैं ये हमारे पास पेडल्स हैं. आप इनको बेसिकली मेरा जो है कि मैं मेरे पास एक होते हैं बाबू भाई ही इज़ आर हमारे जो टेक्निकल स्टाफ हैं वो हमारी ये लूम सेट कर देते हैं. उसके बाद ये है कि इसके बाद जब एक दफ़ा लूम सेट हो जाती है आई जस्ट गाइड दीज चिल्ड्रन एंड ये वीव कर लेते हैं. ये आपको राबिया बल्कि करके दिखाएंगी. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस बट यस माशाल्लाह माशाल्लाह दीज चिल्ड्रन हैव पिक्ड अप एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम माशाल्लाह. आपको कितना अरसा लगा ये सब सेटअप करने में? KDSP स्टार्टेड इन 2014 जब हम एक इदारा एज एन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुए. आई थिंक वी वर लेस देन 10 फैमिलीज़ जो कि गॉट टुगेदर एंड वी सेड के क्यों पाकिस्तान में डाउन सिंड्रोम से मुतासर बच्चों की और उनकी फैमिलीज़ की रिप्रेजेंटेशन नहीं है. और आज हमें तकरीबन 5 साल सेटअप हुए हुए हो गए हैं. वी ग्रोन द फैसिलिटी वी ग्रोन इन टर्म्स ऑफ आवर टीम लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हमारा जो फैमिली नेटवर्क है वो अब 700 से ज़ायद फैमिलीज़ का हो गया है. यानी 700 से ज़्यादा बच्चे और उनकी फैमिली 100 से ज़ायद फैमिलीज ख़वातीन हज़रात इस फैसिलिटी में आ रही हैं. हम उम्मीद करते हैं कि डाउन सिंड्रोम के हवाले से जब जब हमें कोई आगाही चाहिए होगी अली आप हमें गाइड करते रहेंगे. ख़वातीन हज़रात आई कैन नॉट टेल कि मैं किस कदर मूव्ड हो गया हूँ. मैं किस कदर मुझे डेंट क्या पड़ा है दिमाग में. मेरे पूरे सोचने का पैटर्न बदल गया है कि गुज़िश्ता 10 मिनट में जो कि आपने अभी देखे अपनी स्क्रीन पर. मेरे ख्याल में मेरे पास मज़ीद कुछ कहने को तो है नहीं. ओवर टू यू. प्यारे मेहमान बाखबर सवेरा में आज से पहले कभी भी नहीं आया और मेरा बस करे मेरे हाथ में थोड़ा बहुत कोई प्रोडक्शन की टीम लग जाए. मैं डाउन सिंड्रोम बच्चों के लिए स्पेशली कार्टून्स और उनके लिए फिल्म्स इन पे जो बननी चाहिए ताकि लोगों को इस मीडियम के थ्रू पता चले. छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं कहीं मजा आइएगा.